नमस्कार, स्वागत है आपका यूपीएस न्यूज 24 लाइव में। आइए नजर डालते हैं आज की इस बड़ी खबर पर। ऑल इंडिया केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरविंदर सिंह मारवाहा ने प्रेस वार्ता की। ऑल इंडिया केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरविंदर सिंह मारवाहा ने सीपी शर्मा के आवास पर पत्रकारों से बात की। 27 सितम्बर को भारत बंदी का समर्थन किया और सरकार को कोसते हुए कहा कि प्रचंड बहुमत की सरकार डबल इंजन की सरकार दिखाने के लिए है। विकास के नाम पर इनका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। महंगाई अपने चरम सीमा पर है। डीजल पेट्रोल के दामों में आग लगी है और बेरोजगारी हर घर व्याप्त है। वहीं जो किसान अपना घर परिवार छोड़कर सड़कों पर है, सरकार उनके विषय में कोई निर्णायक फैसला नहीं ले रही है, जिसके कारण किसान आंदोलन जन आंदोलन और बेरोजगार आंदोलन बन गया है। वहीं पर कांग्रेस के असंगठित कामगार प्रदेश अध्यक्ष सीपी शर्मा ने 27/9/2021 को भारत बंद की सभी संगठन के लोगों को सहयोग करने को कहा और बेरोजगारी को ध्यान में रखते हुए सीपी शर्मा ने माना कि सरकार बेरोजगार के ऊपर ध्यान दें कि इस समय बेरोजगारी चरम सीमा पर है। नौजवानों को अपना घरवार चलाना मुश्किल हो गया है। रुद्रपुर उधम सिंह नगर से दुर्गेश तिवारी की खास रिपोर्ट। हर खबर सबसे पहले मीटिंग थी हमारी सुख मोर्चे के अध्यक्ष का, मतलब सभी जितने भी किसान यूनियन के अध्यक्ष भी आए हुए थे, उत्तराखंड के गुरुद्वारों के भी कई प्रधान आए हुए थे, रणनीति व्यापार मंडलों के भी कई प्रधान आए हुए थे, पार्टियों के भी आए हुए थे। हमारे कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी नगर अध्यक्ष आए हुए थे। सीपी शर्मा जी हमारे जो किसान मजदूर यूनियन के अध्यक्ष हैं कांग्रेस कमेटी के पूरे उत्तराखंड के, और पूरा जोरदार से वहाँ पर इन्होंने समर्थन किया। गुरुद्वारा सिंह सभा के प्रधान किच्छा से आए हुए, इन्होंने भी जोरदार समर्थन किया। हंसपाल जी हमारे किच्छा से जो व्यापार मंडल के डिस्ट्रिक्ट के जनरल सेक्रेटरी है, वो भी आए हुए थे। रुद्रपुर से भी व्यापार मंडल से जो जुनेद, और संयुक्त मोर्चे ने जो अपील की है उसमें उसने कहा है कि हम शांतिपूर्वक जो दुकानदार अपने आप दुकान खोल सकता है खोल ले, हम उसके आगे हाथ जोड़ के कहेंगे कि आज का दिन हमारे लिए खाए, हम बिल्कुल वायलेंस नहीं होने देंगे। और उन्होंने खुल के कहा, सब मते पास हुए और उन्होंने खुल के कहा है कि हम व्यापार मंडल से भी, ट्रक यूनियन वाले भी आए हुए थे, वृक्ष साहब थे और भी सब आए हुए थे, टेम्पू यूनियन से आए हुए थे, रिक्शा वाले से आए हुए थे, उन्होंने सब ने यही कहा कि हम उस दिन शांतिपूर्वक आपका साथ। आवास विकास गुरुद्वारे में संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारी पहुंचे, जिन्होंने भारत बंद के आह्वान के लिए एक मीटिंग बुलाई हुई थी, जिसमें हमारे बहुत सारे सामाजिक संगठनों के लोग और राजनीतिक पार्टी के भी सारे लोग, भाजपा को छोड़कर सभी को।